बीते दिन वारिस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह अते उसके साथियों उपर अजनाला विखे अजनाला पुलिस वालों मारकुट करन दे दोष तहत परचा दर्ज किया गया सी, जिसके तहत ही अमृतपाल सिंह वीरवार को अजनाला विखे पहुंचे, जिथे कि उन्हां नाल वड्डी गिनती विच उन्हां दे समर्थक भी मौजूद सन। इस दौरान अमृतपाल सिंह दे समर्थकों के पुलिस विचाले काफ़ी झड़प हुई, जिस विच अधिकारियों समेत कई पुलिस मुलाजम भी जख्मी हुए। इस सारे घटनाक्रम तो बाद पत्रकारों नाल गलबात करदे अमृतपाल सिंह ने दसिया कि पुलिस वालों उन्हां विश्वास दवाया गया है कि पुलिस वालों परचा रद्द किया जाएगा ते जो सिंह बंद किया गया है उसनु शुक्रवार को रिहा किया जाएगा। उन्हें आख्या कि उस समय तक वो अजनाला विखे ही रह के अमृत संचार करेंगे ते आज दी घटना ते पुलिस वालों किसी भी तरह का कोई परचा दर्ज नहीं किया जाएगा ते ना ही किसी सिंह के घर छापेमारी की जाएगी। उन्होंने पुलिस प्रशासन उपर दोष लगाते हुए कहा कि पुलिस वालों सिंघा नूं जानबुझ के तंग परेशान किया गया सी, जिसके चलदे ही उन्होंने वालों कई दिन इंतजार करन तो बाद एक कदम चुकना पिया। अमृतपाल सिंह ने कहा कि वह अरैसट होने तो नहीं डरते, अरैसट होने ले भी तैयार ने, पर केस तो झजदा होवे। सो मैं ये गल कहना सिखा के खिलाफ ना बोलो, सिखा सबूत तौर पर धमकियां देनिया बंद करो, चाहे वह किसी भी अहदे से बैठा हो। मैं सिख जे फौज ने जे उच्चे उच्चे अहदे ने जे बीजेपी पगों से सिर पसाई फिरते हैं उन्होंने कहना चाहना है जदों कुचलन दियाँ जदों धियां भैन की बेपत्ती कर दिया गल् करते हैं उदों ये तहूँ भी बिचे गिणते हैं, किसी सिख को बाहर नहीं करते। सो होश करो, चौबी घंटे के तूफान सिंह बहर आऊगा, असं चौबी घंटे नहीं वेट करनी। शामा तक इन्हों क्या शामा दवान सजनगे, जो तूफान सिंह इतने आऊगा उदो अं निकल जाएंगे, परचा रद्द करने कहे ये सैन करावे, फिर बहर आएंगे प्रैस कॉन्फ्रेंस भी करे पुलिस वाले भी परचा गलत सी असी रद्द कर दिता है, जो परचा रद्द हो गया फिर असं तुम दसा। सारे परचे रद्द हो गए, जेडे नौजवान अज नज़रबंद किए सारे नौजवान बाहर आने, जिन्ना चर सारे नौजवान इतने नहीं पहुँचते सारिया संगत इतने नहीं पहुँचदिया तो सानू ये एहसास नहीं होंगे भी संगत सुरक्षित आ, क्योंकि साड़ी सुरक्षा बाद संगत की पहला। वो भी लिखावे सारा इन्हों को भन तोड़ असी नहीं की, भन तोड़ इन्होंने बंद ने की डांगा मारे। देखो जेड़े पुलिस वाले जख्मी हुए जे भगदड़ के डिग के जख्मी हुए, किसी ने कुछ नहीं मारिया, उन्होंने सारिया वीडियो मौजूद ने, जिहड़ी झड़प हुई है उस झड़प होनी नहीं सी जे असी शांतमई तरीके आ रहे थे सानू आउण दिंदे, ये झड़प होनी नहीं सी जे झूठा परचा ना पाउंदे। सो इस करके इन्हां नू चाहीदा अगे तो जिहड़े भी झूठे परचे पाउंदे आ उन्हां नू चाहीदा झूठे परचे ना पाया करन, झूठे परचे पंजाब दी नौजवानी नू डक नहीं सकदे, झूठे परचे अमृत संचार की लहर नू दबा नहीं सकदे। अज इत्थे अमृत संचार होऊगा इस धरती दे उत्ते अजनाले दे विच। उधर SSP अजनाला सतेंद्र सिंह ने दसिया कि जो इन्हां वालों सबूत दिते गए ने उस मुताबक लवप्रीत सिंह उत्थे मौजूद नहीं सी, जिसके चलदे पुलिस वालों उन्होंने डिस्चार्ज किया जाएगा, जिस लई सिट भी बना दी गई है ते सीनियर अधिकारी इसकी जांच करेंगे। देखो जेड़े इन्होंने सानू एविडेंस दिते आ, जेड़े इन्होंने एविडेंस दिते आ लवदीप दे उहदे हाथ उहदे मुताबक उत्थे है नहीं सीगा जी, सो उन्हों असी कल डिस्चार्ज करा रहे हैं और सिट बन गई है जी। SP तेजवीर उन्होंने हैड करेंगे, जो भी तथ्य आधार पर होगा वह फैसला सर करना। सर अज जिहड़ा वायलेंस होया मैं वो हुण असी इहनू सारा असी देख लिया जी, सारा कुछ कर रहे हैं इस तो बाद असी क्योंकि हुण जिहड़ी दो मंगा सन सर इन्हां दीआं तूफान सिंह नूं रिहा करन दी आ परचा रद्द करन दी आ, तूफान सिंह दी गल कर रहे हैं जी। हां जी तूफान सिंह दा जिन्ना इन्हां ने लिया के सानूं अंदर एविडेंस दित्ता है मौके ते उत्थे नहीं सीगा जी, सो उहनूं असी कल डिस्चार्ज करा दांगे। सर इक FIR रद्द करन दी मंग वी की सी उहदा, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਛੇਤੀ, ਪਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਧਰਨਾ ਉਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਲੈਤੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆਏ ਸਰ ਕਿੰਨੇ 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 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸਰ SP ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਕਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਰ ਵਾਇਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਲਵਦੀਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਪਦੀ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।